रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का रिजल्ट 10th बोर्ड क्लास का बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई बच्चा 10th क्लास के अंदर 40-45% लेके आता है तो लोग उस बच्चे को इस नज़र से देखते हैं कि यार ये हमारी कॉलोनी में कहाँ से आ गया, ये पूरे बच्चों को खराब करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे बेटा कल से उसके घर मत जाना, और उधर नाना और मामा और चाचा और ताऊ और पड़ोसी ऐसे उस बच्चे के खाल खिंचाई करते हैं कि आप पूछो ही मत। वर्तमान टाइम में बच्चा तो परेशान हो ही रहा है, उसके पेरेंट्स और हो रहे हैं, अरे साहब किसको कहें, घर में सब पढ़े लिखे हैं या फिर घर में सब समझदार हैं, लेकिन क्या करें, छोरे का रिजल्ट ही आए, हमारे तो घर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। गजब कर दिया। आज का वीडियो विशेष तौर पे उन्हीं पेरेंट्स और बच्चों के लिए है कि यदि आपका एक पेपर खराब हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया पड़ी है। जो आदमी गिर के उठता है ना, उसी को असली हीरो मानते हैं। ध्यान रखना, हिस्ट्री सबकी अच्छी नहीं बन सकती, हिस्ट्री सबकी ज्यादा मोटिवेशनल नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। धीरू भाई अंबानी की जो हिस्ट्री है वो आपके अभी 8% अंबानी जी है उनके जैसी नहीं बन सकती। मुकेश अंबानी जी को अगर स्टोरी अपनी बहुत बढ़िया बनानी है तो पेट्रोल पंप पे तेल भरना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। आज अगर किसी बच्चे के 10th में 80% है और 12th में 95 लेके आ गया, उसकी स्टोरी कभी भी इतनी बढ़िया नहीं बन सकती जितनी की 60% वाला अगर 95% लेके आएगा तो। अगर आपके बच्चे के 39 है और आपका बच्चा अगर 91 लेके आ रहा है तो उसकी स्टोरी, उसकी कहानी उतनी जबरदस्त बन सकती है जितनी जबरदस्त उसकी नहीं बन सकती जो कि 81 से 91 लाएगा। इसका मतलब है मुझे मेरी स्टोरी सर गजब की बनानी है। 12वीं फेल अगर बच्चा आईएएस बनता है तो 90% वाला बच्चा अगर 10th 12th में लाकर आईएएस बनता है तो किसकी स्टोरी फेमस होगी कि सर 12वीं फेल वाले की, अरे तो ये सौभाग्य मिल गया अपने को यार, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढो। सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो के अंदर कहना नहीं, दिखाना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे लगभग 100 ऐसे बच्चे होंगे, 100 से 150 बच्चे जिन बच्चों ने 10वीं क्लास से लेके 12वीं तक, उनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 30% 40% 43% 38% ग्रोथ की है 10th से 12th में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे 12वीं के साथ में ZCUT के अंदर न केवल उसकी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं बल्कि टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। एक 41% का बच्चा अगर पंतनगर उत्तराखंड BHU में पढ़ेगा ना, तब उन पड़ोसियों की क्या हालत होगी, उन रिश्तेदारों की क्या हालत होगी जिस दिन वो 41% लाने पर हंस रहे थे या उसकी तरफ देख नहीं रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 41% आपके लाड लेके आए हैं तो अब हमें सही हाथों में जाके और हिस्ट्री क्रिएट करने का प्रयास करना है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको एक नहीं अनेक एग्जाम्पल दूंगा, ये पार्ट वन है, जिन बच्चों ने इतिहास रचा है उनका पार्ट वन है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं 95 से ऊपर 5, 90 से ऊपर 81, 85% से ऊपर 229, 80 से ऊपर जो है 367 बच्चे, वो सब बताने नहीं आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो कि बच्चों ने यूनिक किया है। एक एक करके शुरुआत करते हैं, आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। और ये वीडियो विशेष तौर पे मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं जो किसी कारणवश किसी एक बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छा नहीं कर पाए। आइए चलते हैं। ये हमारा बच्चा है अभिषेक धाकड़, पुत्र श्री देवीलाल जी धाकड़, बेगू चित्तौड़गढ़ का रहने वाला बच्चा है। इस लाडले के 10th क्लास में 41% है और 12वीं में 84.60 साइंस सब्जेक्ट लेके ये बच्चा बनाया है, 43.60%। आप देखो जितने यहां पे आए थे 10th में उससे ज्यादा तो इसने ग्रोथ कर लिया 12th क्लास के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी टीम को कि साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद में बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया है कि बच्चा मोटिवेटेड रहा है, पूरी साल उसकी
मतलब उसके मन में ये भावना रही है कि मैं करके दिखाऊंगा और करके दिखाया है। उसके लिए कंटेंट चाहिए जोरदार, स्टाफ चाहिए जबरदस्त, मैनेजमेंट चाहिए 24 आवर्स का जो इस बच्चे को एनर्जेटिक रख सके, इसलिए बच्चा लेके आया है। और सबसे बड़ा योगदान इस बच्चे के पेरेंट्स का है कि इन्होंने हिम्मत दिखाई। 39.83 टेंथ क्लास में और 12वीं क्लास के अंदर 81.20 41.37% की ग्रोथ है बच्चे के। आप देखो इनसे ज्यादा तो ग्रोथ कर ली 10 से ज्यादा 12th में कौन है? कीर्तन कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार जी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली। अगला बच्चा हमारा आजिल बेग पुत्र श्री फारूक जी बेग, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़। आप देखो 10th क्लास में 43, 12th क्लास में 81% 38% का इस बच्चों ने ग्रोथ किया है। नेक्स्ट ये हमारा धीरज पुत्र श्री रतनलाल जी, जिला झालावाड़। आप पेन लेके बैठ जाना, राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसका जिसमें रॉयल का बच्चा नहीं पढ़ता, अदर स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि विशेष तौर पे जेईटी और सीयूटी के अंदर हम ऑल इंडिया टॉपर है रिजल्ट के मामले में, व्यवस्था के मामले में। अभी हम चाहते हैं, हमारा सपना है कि 11, 12 के साथ में बच्चा 12वीं करता है उसके साथ में यूनिवर्सिटी में दिखना चाहिए। ये बच्चे केवल परसेंटेज नहीं बना रहे हैं, साथ का साथ जेड सीयूटी कर रहे हैं। और आप देखो 45.67 वाला बच्चा 82.40% लेके आ रहा है। बहुत बढ़िया धीरज, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो बेटा सभी बच्चों को। 49% हमारा कौन सा बच्चा? कुणाल पाटीदार पुत्र श्री मुकेश जी पाटीदार, जिला झालावाड़। 49 वाला बच्चा 85.40 लेके आए है, बहुत ही बढ़िया, गजब का रिजल्ट। नेक्स्ट बच्चा दिलखुश धाकड़ पुत्र श्री बंसीलाल जी धाकड़, श्रीनगर बेगू, जिला चित्तौड़गढ़। ये बच्चा 10th क्लास में 48 और 12th के अंदर 84.40 इसने देखो 36% की ग्रोथ की है। नेक्स्ट वो है बच्ची हमारी मनीषा सिंह पुत्र श्री उपेंद्र सिंह जी, तहसील रामगढ़, जिला सीकर। ये बच्ची 50% से 86.60% पे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अरे सर सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, यहां के बच्चे उदयपुर कैसे आ रहे हैं? उदयपुर एक नई शिक्षा नगरी है, संस्कार के साथ में शिक्षा, मोटिवेशन के साथ में शिक्षा, जहां पे डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक बच्चा कमजोर से कमजोर कैसे टॉप जगह जा सकता है, उसकी एक तरीके से ये मशीन है। लेकिन रॉयल उदयपुर में रहने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे के मन में यह भावना होनी चाहिए कि सर मैं करना चाहता हूं, सर मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे को पढ़ा के दिखाओ देखे, फिर इसकी दवाई हमारे पास नहीं है। आप अपने कमजोर से कमजोर बच्चे को ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा ये ठान ले कि सर मैं करना चाहता हूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे की आत्मा से अंदर से साइन चाहिए कि सर मैं करना चाहता हूँ, बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मनीषा सिंह का मैंने बता दिया। अगला हमारा स्टूडेंट अंकित पुत्र श्री श्यामलाल जी, ये भी चित्तौड़ का रहने वाला बच्चा है, 50% से 85.40% लेके आया है, 34.90 इसकी ग्रोथ है। अगला हमारा बच्चा है गोविंद धाकड़ पुत्र श्री बोतला राम जी धाकड़, किशोरपुरा बेगू, चित्तौड़गढ़ का रहने वाला बच्चा है। 47 से 81 तक आपका लाडला पहुंचा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप न केवल अपना रिजल्ट लेके आए हो, लेकिन कई बच्चों के आप मोटिवेशन का काम करोगे। अगली स्टेप पे आते हैं, कुलदीप मीणा पुत्र श्री राजेश कुमार जी मीणा, तहसील देवली, जिला टोंक। 51% से 85 पे पहुंचा है, बहुत बहुत बधाई हो, 51 से 85 पे पहुंचा है। मंजीत सिंह राठौड़ पुत्र श्री धनराज सिंह जी राठौड़, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर। 47 से 80.80% तक पहुंचा है। नेक्स्ट हमारा बच्चा बनवारी मेघवाल पुत्र श्री किशोर जी मेघवाल, श्रीनगर। ये भी आपका चित्तौड़गढ़ का रहने वाला बच्चा है। इस बच्चे के 10th क्लास में 48% है और अभी 82% लेके आए हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चा है शुभम कुमार मीणा पुत्र श्री महादेव जी मीणा, 10th क्लास में 41 और 12th में 74.40 बच्चा जो ग्रोथ किया, कितना? 33% का। नेक्स्ट हमारा बच्ची है हमारी जीविका पारेता, इसके पेरेंट्स के साथ मैंने अलग से वीडियो बना के भी डाला था। 58% की बच्ची 90.80 लेके आई है, 58 से 90.80, साथ में जेट और सीयूटी में जबरदस्त परफॉर्मेंस सभी बच्चे दे रहे हैं। अगला हमारा स्टूडेंट है हितेश चौधरी पुत्र श्री ठाकरा राम जी चौधरी, तहसील सांचौर, जिला जालोर। और ये बच्चा 51% से 84 तक पहुंचा है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट है
दीक्षित कलाल, पुत्र श्री भंवरलाल जी कलाल, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर। ये बच्चा 47% से 80% तक पहुंचा है, 32% की इस बच्चे के ग्रोथ रही है। बहुत बढ़िया बेटा, गजब का। विनोद कुमावत, पुत्र श्री गोपाल जी कुमावत, तहसील देवली, जिला टोंक। 56% से 88%, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बढ़िया, गजब। नेक्स्ट है हमारा मोहित जैन, पुत्र श्री अक्षय कुमार जी, पगारिया, आजाद नगर, जिला भीलवाड़ा। 52 से 88.40। नेक्स्ट है अखिल रायचंद, अगला बच्चा है अखिल रायचंद, पुत्र श्री रामपाल जी रायचंद, बिलिया खुर्द, जिला भीलवाड़ा। ये आपका बच्चा 63.17, 63% से आपका बच्चा 95.20% में गया है। आप देख सकते हो, इसका मैंने इसके पेरेंट्स के साथ स्वागत का अलग से वीडियो डाला है। और ये बच्चा हमारा रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने पहले इस साल में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूट की तरफ से 11,000 रुपए का इसको इनाम भी दिया गया है। इसके साथ में ये बच्चा जेट और सीयूटी केंद्रीय सभी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास जाट, पुत्र श्री रणजीत जी जाट, तहसील जालमपुर, जिला भीलवाड़ा। 54% से 86.40%, बहुत बढ़िया बेटा, गजब का रिजल्ट, गजब का। रोहित मीणा, पुत्र श्री कमलेश जी मीणा, तहसील इंडोली, जिला बूंदी। 46% से 78.60। और ये बच्चा आपका 32% की ग्रोथ करके ला रहा है, साथ का साथ जेड सीयूटी में बहुत अच्छा कर रहा है। दिलखुश गुर्जर, पुत्र श्री भरतलाल जी गुर्जर, जिला सवाई माधोपुर। 53% से 85.20। नेक्स्ट हमारा बच्चा है ललित जिनगर, पुत्र श्री हीरालाल जी जिनगर, कोशीथल सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा। 52% से 84%, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट है निखिल पारासर, पुत्र श्री घनश्याम जी पारासर, तहसील श्री बांदीकुई, जिला दोसा। 59% से 90.40%। आप देखो बांदीकुई दोसा का ये जो बच्चा है, ये 59% से 90.40% लेके आ रहा है। ऐसे बच्चे जिनका 10th का रिजल्ट अच्छा नहीं है, कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका रॉयल इंस्टीट्यूट आपको 12वीं के साथ में अच्छे परसेंटेज के साथ में देश की टॉप यूनिवर्सिटी देखने का, आपको मौका दिलाने का, आपको अपना सपना साकार पूरा करने का पूरा मौका देगा, आपको पूरा का पूरा प्रयास कराएगा। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है बेटा, बस जिसकी हिम्मत है, मतलब हिम्मत की कीमत है, यूं कह सकता हूं मैं। नेक्स्ट है संपूर्ण जैन, इसके पिताजी आए थे, बहुत खुश हो गए थे इंस्टीट्यूट से, मजा आ गया था उनको। आप खुद एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। संपूर्ण जैन, पुत्र श्री प्रवीण जी जैन, तहसील 12, जिला जो है आपका 12 के रहने वाले हैं। और 51% से ये बच्चा 82.60 पे पहुंचा है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट हमारा गुड़िया है शिवानी मीणा, पुत्र श्री महावीर जी मीणा, तहसील बूंदी, जिला बूंदी की रहने वाली है। 54% से 85% लेके आ रही है। मैं महावीर जी को, इस बच्ची को, इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि किस तरीके से आपकी गुड़िया बूंदी से यहाँ पे आई है। इसने पूरी साल संघर्ष किया है, पूरी साल मेहनत की है, और आज आपकी बच्ची ये जो है अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा रही है। नेक्स्ट है हमारा बच्चा इंद्रजीत मेघवाल, पुत्र श्री सोनलाल जी मेघवाल, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद। 52% से 83.40%। नेक्स्ट हमारा बच्चा है संजय पन्नू, पुत्र श्री लूणाराम जी पन्नू, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। 50% से 81.20%, बहुत बहुत बधाई हो। अब नेक्स्ट जो हमारा बच्चा है वो है प्रभुलाल जाट, पुत्र श्री राम प्रसाद जाट, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा। यह आपका बच्चा 50% से 84.40% लेके आया है। बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस इस बच्चे ने दी है। कोटड़ी के खूब बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चा है रोहित राहुल, पुत्र श्री भेरुनाथ जी राहुल, तहसील हुडा, जिला भीलवाड़ा। 54% से 84% बच्चा लेके आए हैं, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है वो है कृष्णा मीणा, पुत्र श्री भरतराज जी मीणा, तहसील 12, जिला 12। 48% से 78.20 बच्चा लेके आया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट है ज्ञानेश पाटीदार, पुत्र श्री भंवरलाल जी पाटीदार। 59% से 88.80% ये बच्चा लेके आया है, बहुत बहुत बधाई हो ज्ञानेश। नेक्स्ट है भरत डांगी, पुत्र श्री प्रेम राम जी डांगी, तहसील कुराबड़,
जिला उदयपुर 53 से 82.80% आपका लाडला लेके आया है। नेक्स्ट हमारा बच्चा संजय वसीटा पुत्र श्री नवरतन मल जी, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा, इसके पिताजी ट्रक चलाते हैं। 46% का बच्चा 75.20 लेके आया है। 29% की बच्चे ने ग्रोथ जो है वृद्धि की अपने परसेंटेज में। नेक्स्ट हमारा आयुष शर्मा पुत्र श्री केदार जी शर्मा, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा, 51% को आप क्या मानते हो, 51 से बच्चा 80.20% लेके आया है। नेक्स्ट हमारा बच्चा है वो है अभय पुत्र श्री उमेश जी, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, 46 से 74.80 का आंकड़ा इस बच्चे ने छुआ है। नेक्स्ट है महेश मीणा पुत्र श्री कैलाश जी मीणा, तहसील बूंदी, जिला बूंदी, ये बच्चा 51% से 79.20 लेके आया है। नेक्स्ट है मनीष कुमावत पुत्र श्री किशन लाल जी कुमावत, तहसील फूलिया कलां, जिला भीलवाड़ा, 51 से 79.20 लेके आया है। नेक्स्ट है रोहित कुमार मीणा पुत्र श्री मनोहर लाल जी मीणा, तहसील बाली, जिला सवाई माधोपुर, 44 से 72 तक का आंकड़ा इस बच्चे ने। राहुल सिंह सोलंकी पुत्र श्री दशरथ सिंह जी सोलंकी, तहसील बूंदी, जिला बूंदी, 53 से 80.80% लेके आया है। नेक्स्ट हमारा बच्चा है लक्ष्यदीप परिहार पुत्र श्री राजीव जी समरिया, तहसील आपकी जो है ये महेश्वर, और जिला एमपी का रहने वाला बच्चा है। न केवल राजस्थान के बच्चे बल्कि राजस्थान के बाहर के भी खूब बच्चे आज रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में विश्वास कर रहे हैं और कंटिन्यू जो है अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। 51 से बच्चा आपका 79% लेके आया है। नेक्स्ट हमारा बच्चा है विक्रम नागर पुत्र श्री रघुवीर जी नागर, तहसील छबड़ा, जिला 12, यह आपका बच्चा 53 से 78.40% लेके आया है। नेक्स्ट हमारा बच्चा है वो है आपका गजेंद्र शर्मा पुत्र श्री महेंद्र जी शर्मा, अरनेड डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़, 53 से 81% ये बच्चा लेके आया है। नेक्स्ट हमारी बच्ची है सगुन प्रजापत पुत्र श्री अमरचंद जी, निराधानु मलसी सर, जिला झुंझुनू की रहने वाली बच्ची है और इस बच्ची के 62 से 89.60% लेके आई है। कितनी अच्छी ग्रोथ इस बच्ची की रही है, कितनी अच्छी मेहनत बच्चों ने की है। आज क्या ये जो वीडियो है ये है पार्ट वन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे एक बच्चा 10th क्लास के अंदर किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, किस तरीके से बच्चा और पेरेंट्स निराश हुए और आज बच्चा 2000 ये इन बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया 2022 में जब ये निराश हुए थे, और आज 2024 के अंदर ये बच्चे अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, इनके वीडियोज बन रहे हैं। अब ही आपको बच्चे देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। इसके पीछे क्या कारण, इसके पीछे मेन कारण स्टूडेंट खुद जो कि दौड़ निकालने के लिए राजी रहा, दूसरा इसके पेरेंट्स जिन्होंने हिम्मत दिखाई, इसके पेरेंट्स जिन्होंने सही जगह चूज की। वर्तमान टाइम में आपको गुरुजी रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन गुरुजी सही होने चाहिए, परीक्षा तक आपको मोटिवेट करके चले, इनको वो कंटेंट दें, और इतने कमजोर बच्चों को जो मार्कशीट में लग रहा कमजोर कुछ नहीं आ रहा उनको उस लेवल तक जाके पढ़ाए। बोलते सर आप बोलते हो चार चार टीचर है, अरे सर एक एक ही पढ़ा देंगे, चार चार क्यों टीचर रखते हो, स्पेशलिस्ट है। बच्चे को पढ़ाने के बाद में पढ़ते वक्त बच्चे को मजा आना चाहिए, बच्चे को पढ़ते वक्त मजा आना चाहिए। मजा तब आएगा जब उसकी समझ में आएगा, समझ में तब आएगा जब टीचर्स में दम होगा, वो घर पे एक्सरसाइज करके आए कि 41% वाले बच्चे को कैसे हंसी मजाक में समझाऊं कि उसको क्लास में समझ में आ जाए, घर पे जाके वापस बच्चा पढ़े अपने आप। डराने धमकाने से नंबर नहीं आते, कोई आप किसी को डरा धमका के अच्छे नंबर नहीं ला सकते, पढ़ाई नहीं करवा सकते डरा धमका के। जब तक बच्चे की आत्मा में मन में लगन नहीं लगेगी तब तक कोई नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ऐसे गुरुजी चाहिए जो हमारे बच्चों के पढ़ाई की आग लगा दे, उनके दिमाग में खाली पढ़ाई चले। 89 बने आपके 10th में, 12th में 95 बन गई सामान्य बात है, लेकिन 63 से 95 बनते हैं, 47 से 85 बनते हैं, तब इतिहास में नाम लिखा जाता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो क्या आप भी चाहते हो क्रिएट करना, तो रॉयल इंस्टीट्यूट आपके पास ऑप्शन है। 11th में कुछ नहीं पढ़ा सर, तो भी हम पढ़ाएंगे 11th का भी, ZCUT करवाएंगे। सर 10th में तो बिल्कुल नीचे ही हूं, तो 12th में बिल्कुल ऊपर आ जाएगा बेटा। एक बार सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस संस्थान में विजिट करके देखो, यहाँ की चीजें देखो, माहौल देखो। आज पूरा देश उदयपुर की तरफ देख रहा है, क्यों, क्योंकि नई शिक्षा नगरी बन चुकी है। अब इससे आपको दूर, ज्यादा दिन तक दूर आपको नहीं रहना है क्योंकि आप पिछड़ जाओगे। एक बार आओ आप,
देखो सिस्टम, 100 जगह और देखो, फिर आप अपने सब विवेक से डिसीजन लो, लकीर के फकीर मत बनो। सब विवेक से डिसीजन लो कि आपको कहाँ जाना चाहिए। मैं आपको केवल समझा सकता हूँ, सबसे पुनः रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं पर भी अपने लाडले का एडमिशन करवाओ, एक बार हमारे पास जरूर पधारना, चाहे उसके 38% ही हो, कोई तकलीफ नहीं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।